देख रहे हैं राइज फॉर इंडिया। कोरोना काल में मैं कवरेज करने के लिए भी निकला था कि कोरोना काल में जो सरकार की योजना है जो धरातल तक किस तरह से पहुंच रहा है और किस तरह से नहीं पहुंच रहा है, तो हमें पता लगा कि यहाँ धांधली मची हुई है जन वितरण प्रणाली। तो उसको सुनने के लिए, दूर करने के लिए, नाम शिवराज सिंह पटेल है और जदयू का प्रखंड नीतीश बाबू के सरकार में दूसरी बार प्रखंड के अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने लोगों का जो जन वितरण प्रणाली में धांधली है आवाज़ को सुना और पदाधिकारियों तक, अपने सरकार तक फोन से या लिखित रूप में उन्होंने आवाज़ उठाई। अगर कहीं भी कोनो गड़बड़ी बुझाए तो हमारा नंबर रख ले, काम पर बता दे। 5 किलो कितना यूनिट बड़ा उठ? 11 गो। 11 गो तो 11 गो यूनिट पर 110 किलो अनाज भाई, 1 क्विंटल 10 किलो। मैं बैठा हूँ, पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। हम आपके पास आए कि आप जो है इतना मेहनत कर रहे हैं कोरोना में, तो ये कोरोना से आपको डर नहीं लगता है क्या बीमारी? डर लगने की क्या बात है जब हम सरकार की गाइडलाइन को पालन करते हुए जी कोई भी व्यक्ति जी अगर चलता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। मैंने सरकार के गाइडलाइन के अनुकूल पंचायतों में भ्रमण करके जी मैंने पता लगाया जन वितरण प्रणाली के दुकानदार लोगों के विषय में जी, कि वितरण व्यवस्था कैसा है जी। तो जब पता लगा तो उस पर आप किस तरह से सर, मतलब उन लोगों का जो है समस्या, मैंने जो हमसे समस्या लोग सुनाए जी, तो उनका मैंने राशन कार्ड लिया जी, कार्ड लेकर के देखा, उनसे पूछा जी, और सबको नोट किया जी जी। और नोट करके मैं पदाधिकारी जो प्रखंड विकास प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं जी, उस समस्या से अवगत कराया। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ की जिला में अनुमंडल पदाधिकारी हैं, उनको भी इस समस्या से अवगत करा चुका हूँ जी जी जी। और मैं इसके लिए सबसे कहता हूँ कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो जी तो आप लोग, मेरा नंबर है, नंबर भी दे रहा हूँ, संदेश दीजिए हमारे जी जी, नंबर भी दे रहा हूँ। और सबसे यही कह रहा हूँ कि आप लोग लिखित रूप में दीजिए, इस पर सख्त कार्रवाई होगी जी जी जी, क्योंकि जो गलत है गलत कभी बर्दाश्त नहीं होगा जी जी, गलत करने वाले बच नहीं पाएंगे जी जी जी। तो सरकार की सर जो योजना है ये धरातल पर आकर के ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों ऐसा लोग जो कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं इनको जो है गरीबों पर दया भी नहीं आती, और इन लोगों का मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है, ऊपर का कोई ऐसा छत्र छाया है देखिए, या कि इनकी हिम्मत ऐसे है, नाजायज लोग हैं? मैंने किस विषय में पूछना चाहते हैं? ये जन वितरण प्रणाली जो है, जन वितरण प्रणाली विशेषकर हम इसी पर फोकस किए हैं। कुछ लोग हैं जी जी, चंद लोग हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री का जो सोच है उसके उल्टा काम करने वाले कभी बख्शे नहीं जाएंगे और मैं उनको बर्दाश्त नहीं करूंगा जी जी। मुझे जिस पद पर रखा गया है उस पद का गरिमा को रखते हुए जी जी, उनके ऊपर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जी जी। सबको मैं बता रहा हूँ, वहां शिकायत हमको भी मिली कि जहां 5 किलो फ्री राशन देना है जी, और इस मई महीने का जो पैसे से राशन जो दिया जाता था वो ही फ्री देना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है जी जी जी। तो उसमें मैंने देखा कि 5 किलो के बजाय जैसे 1 यूनिट पर 10 किलो देना है जी, और दोनों बेपैसा का देना है, फ्री देना है जी। उसमें मैंने देखा तो सब लोग बताए हमसे कि 8 किलो मात्र मिला है जी जी। और कहीं कहीं 5 ठो मैंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि 5 पंचायत मणिपुरा बेदौली मरीचा कमता लौंगा काला में अभी तक राशन जो चावल है फ्री का राशन नहीं पहुंचा। अब बताइए मई के बाद जून आ गया तो क्या होगा, उसके बाद लोग कहेंगे कि मशीनें बंद हो गया तो क्या होगा। मैं सख्त कार्रवाई करवाने के लिए मैं लिखित रूप से देने जा रहा हूं, इससे मैं खाद्य आपूर्ति मंत्री जो है उनको भी अवगत कराऊंगा जी। गलत बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा। और सारे लोगों को मैं बता चुका हूं कि जो भी समस्या है समस्या से मुझे भी अवगत कराइए, लिखित दीजिए, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा।
तो सर एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो कर रहे हैं लोग, अगर मान लीजिए कि आपके आवेदन पर प्रखंड का जो खाद्य आपूर्ति जो पदाधिकारी हैं अगर वो नहीं सुनते हैं तो, या उनसे मिली भगत है, ऐसा नहीं है लेकिन हो भी सकता है, कुछ भी हो, हमको गलत से नफरत है, मैं आज से नहीं बहुत पूर्व से गलत का विरोध करते आया हूं और करूंगा, और जो पदाधिकारी हो या कोई जन वितरण के दुकानदार हो या कोई मुखिया कोई भी हो जी, उनके खिलाफ मैं लिखित दे करके मैं अपने पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक जी, भेज करके इसे अवगत कराऊंगा और कराते रहता हूँ। जो भी शिकायतें हैं मैं अपने प्रखंड का देना चाहता हूँ, देता हूँ। नहीं वो तो हमने देखा है, अब उनका फर्ज है जी, वो लोग क्या करेंगे, मेरा जो काम है, मैं मेरा जो कर्तव्य है, मैं कर्तव्य का पालन करता हूं तो और करता रहूंगा। आप तो मेहनत सर काफी करते हैं, ये तो हम देखे हुए हैं, कवरेज करने गए थे, लोगों ने हमें बताया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आपको।